आइडिया स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं गाइस, ये हमारी ट्रिप पूरी एक महीने की रहने वाली है, जहाँ पे हम दोहा से होके जाने वाले हैं यूके। यूके में हम दो सिटीज एक्सप्लोर करेंगे, मैनचेस्टर एंड लंदन, और वहाँ पे क्रिसमस वगैरह कैसा होता है, सब एनवायरमेंट कैसा है, अभी वो सब दिखाएंगे आपको। और मैनचेस्टर एंड लंदन के बीच में हमारा थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ होने वाला है, क्यों होने वाला है आप वो तो ऑब्वियसली देखोगे ही। फिर उसके बाद हम एम्स्टरडम से होके दुबई जाने वाले है गाइज, न्यू ईयर के लिए दुबई, एंड हमारा एनिवर्सरी भी उधर ही होने वाला है, प्लस क्रिसमस 25th December भी दुबई में ही रहेगा। तो देखते रहो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ऑफ कोर्स अबू धाबी भी हम वहां पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे फिर से मुंबई। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं, मैं और निखिल कतर में हैं हम, और दोहा एयरपोर्ट में, कतर में जो दोहा है वहाँ पे है। एंड दिस अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो मुंबई में ब्लॉग बनाया था वो क्या पता है उसका साउंड ही नहीं आ रहा है, हालांकि मेरा माइक भी ऑन था, अभी मैं विदाउट माइक के शूट कर रही हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या है देखना पड़ेगा पहले। तो वापस से इंट्रो कर रही हूँ, हम ऑलरेडी दोहा पहुंच चुके हैं गाइस, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और हमारी ट्रिप कितनी लंबी है। एक महीने की ट्रिप है, जिसने भी देखा नहीं है मैं बता दूँ, एक महीने की ट्रिप के लिए निकले हैं। तो हम मुंबई से 4 घंटे की फ्लाइट लेके दोहा पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे 2-2.5 घंटे का लेओवर है, और यहाँ से मैनचेस्टर की फ्लाइट है वो है समथिंग 8 घंटे की ना, 7.5 घंटे की फ्लाइट है, 7.5। तो मैं आपको तब तक मुंबई का लाउंज, बिजनेस क्लास का लाउंज, हमने कतर बिजनेस क्लास से फ्लाई किया था ये टाइम, बिजनेस क्लास एयरवेज की सीट्स सब कुछ दिखाती हूँ, लगे रहो तब तक वॉइस ओवर डाल दूंगी, ठीक है बाय। चलो गाइस, फाइनली निकल गए अभी मुंबई से, और मैं एयरपोर्ट हमें पहुँचने वाले, तो पहुँच के बताती हूँ आपको बिजनेस क्लास का कैसा है सब कुछ। यहाँ पे आप आज इतनी बड़ी लाइन देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ईयर एंड है, तो मतलब लोग घूमते रहते हैं बहुत, और हमारा ये बैगेज चेक इन भी हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये हम अभी करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं, देख लो मशीन कैश काउंट कर रहे हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
पे था और हम सिक्योरिटी वगैरह से सब निकल के लाउंज की तरफ जा रहे हैं अभी. एंड लाउंज इज़ वेरी गुड. या सी, यू कैन सी द फूड ऑलरेडी. इतना सही रहता है. एंड बाय द वे लाउंज रहता है ना, तो यू डोंट हैव टू पे हियर एनीथिंग. यू कैन, मतलब बिजनेस क्लास के टिकट इतने महंगे रहते हैं यार, तो ऑफकोर्स उनको ये इंक्लूड करना ही रहेगा ना. तो ये सब खाने पीने की चीज़ें भी रहती है, ऑल्सो यू गेट ड्रिंक्स, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. तो ये देखो पेस्ट्री वगैरह सब कुछ, मेरे को तो बहुत पसंद आते हैं यहाँ के स्वीट्स. देखो डोंट जज, मैंने ढोकले के साथ ये सब स्वीट्स लेके रखा है, बट दैट्स मी, आई ईट एनीथिंग. अभी हमारा बोर्डिंग टाइम हो रहा है, 10 मिनट में है और 68 नंबर गेट पे है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग होने वाला है. देख लो भीड़ वापस से. गुड, अच्छा है, चलो. ऑल राइट. ये देखो यहाँ पे भी अभी बिजनेस क्लास की इतनी बड़ी लाइन है. फाइनली चलो नंबर भी आ गया, दैट्स गुड. देखो लाइन. ये प्लेन क्योंकि कतर एयरवेज का है गाइस, और बिजनेस क्लास यहाँ पे सीट्स है 46 टोटल, तो इसलिए बिजनेस क्लास में इतने लोग हैं. यूजुअली हम जाते हैं बिजनेस क्लास में तो सिर्फ 8 ही सीट्स रहते हैं. लाइन भी फिर इतनी लंबी नहीं रहती जितनी अभी है. चलो दोहा एयरपोर्ट हम पहुँच गए गाइस. अभी यहाँ पे 2.5 घंटे का लेओवर है, और मैं आपको बिजनेस क्लास फ्लाइट के सीट्स जो है वो हम दोहा से जब मैनचेस्टर की फ्लाइट है ना अभी 2.5 घंटे के बाद, तब बताती हूँ, क्योंकि वो हमारी खिड़की वाली साइड रहने वाली है. तो तब तक आप ये दोहा का ब्यूटीफुल एयरपोर्ट एंजॉय कर लो. देख लो कैसा है, कितना सही बनाया हुआ है ना इन्होंने, सब इकोसिस्टम इतना मस्त बनाया हुआ है. सिंगापुर में भी एक्चुअली जैसे पेड़ वगैरह है एयरपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था. लोग ऐसे मस्त चिल एंजॉय कर रहे थे, इट वॉज़ वेरी नाइस. गाइज अभी हमारा फ्लाइट नेक्स्ट जो है दोहा से मैनचेस्टर का A7 से है, तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा है. ट्रेन से जाएंगे हम, जो मैंने दिखाई थी थोड़ी देर पहले. अलग ही पूरी ट्रांसपेरेंट प्लेन है वो. प्लेन नहीं सॉरी ट्रेन, क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया. चलो ऐसे ट्रेन है गाइज. क्रोसान खा रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, क्रोसान खा रहा है.
देखो कितना क्यूट एरिया है। निखिल अभी डेविड बेकम के गॉगल्स ट्राई कर रहा है, उसके गॉगल मतलब उसके ब्रांड के गॉगल्स। 8,000 से तो स्टार्टिंग है इनकी। ऑलराइट गाइस, तो इसने यहाँ से गॉगल ले लिया है फाइनली। ये नहीं अच्छा दिख रहा देखो, तो वो है 268 USD का। अभी कन्वर्जन कर लो आप 268 USD इनटू INR। ये गाइस वो चश्मा मैं भी पहन सकती हूँ क्योंकि मेरे फेस के हिसाब से मेरे को साइज तो बहुत सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। 22,000 का है गाइस वो चश्मा। ये जो टेडी बियर है गाइस यहाँ पे, ये कतार का, दोहा का सॉरी, आइकॉनिक है ये एयरपोर्ट का। तो इसके सामने लोग फोटो भी खिंचवाते हैं, आप अगर आते हो तो डेफिनेटली खिंचवाओ। हमें अभी रश है तो हम नहीं खिंचवाएंगे, आगे से आपको थोड़ा दिखा देती हूँ मैं इसको भी। ये रहा, ये देखो। और गाइज मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, मेरे बाल की वाट लग चुकी है, मेरे फेस की वाट लग चुकी है। वो तो अच्छा हुआ मेकअप करके नहीं आई मैं, वरना इतना बड़ा डिस्टेंस बहुत झंझट हो जाती थी। अभी हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने, टाइम हो रहा है, 10 मिनट में बोर्डिंग टाइम है। तो ऐसा बेनिफिट रहता है बिजनेस क्लास का। अभी हमारा नंबर सबसे पहले लग भी गया, प्लेन में हम सबसे पहले बैठेंगे, अच्छे से सेटल हो जाएंगे। ओके गाइज, तो ये सब सीट जो है 46 बिजनेस क्लास के सीट्स है। ये रहा निखिल, इसका और मेरा आगे पीछे, क्योंकि विंडो साइड से ना एक ही रो रहती है, साइड साइड में नहीं रहते। तो ये देख लो मेरी बिजनेस क्लास की सीट की कैबिन, पहले ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, बाद में सब एक्सप्लेन करती हूँ आपको। और एयर होस्टेस आके ये दो मेन्यू कार्ड्स भी देखे गई मेरे को। और ये देखो इनका डोर क्लोज है, मेरा भी क्लोज होता है। ये देखो मतलब पूरा 100% प्राइवेसी मिल जाती है अपने को। और ये रहा मेरा कैबिन, अभी अच्छे से देख लो डोर क्लोज करने के बाद कैसा दिख रहा है, मतलब पूरा एक रूम ही बन जाता है ऐसा, सही लगता है बहुत। और लेग स्पेस तो सो ही सकते हैं ना अपन, तो बात ही नहीं लेग स्पेस की कुछ। अभी यहाँ पे है थोड़ा स्टोरेज रूम जहाँ पे आप पासपोर्ट वगैरह रख सकते हो। फिर ये सारे बटन्स जो है वो सीट एडजस्ट करने के, कितने सारे मोड्स, यहाँ पे प्लग लगता है, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, USB पोर्ट भी है। और यहाँ पे है ये हेडफोन लगाने का। ये जो है गेम टाइप, गेमिंग टाइप जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं वैसे खुलता है और ऐसे बाहर आता है। मतलब आप दूर भी हो चेयर पे बैठे हुए तो आप खींच के उसको पास ला सकते हो और वो निकलने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद यू कैन जस्ट पुल द स्ट्रिंग अगेन, उसको वापस वहाँ पे लगाने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली अंदर खींचा जाता है एंड ऐसे प्रेस कर दो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे ये रहा अभी टेबल जिस पे अपन खाना वगैरह सब वो ला के देते अपने को ऑब्वियसली। तो नीचे से थोड़ा ये कुछ फ्लैप रहती है, दबा के ये बाहर आ जाता है ऐसे। ऑब्वियसली ये अभी हम जिस भी बिजनेस क्लास में गए उससे तो बड़ा ही है, क्योंकि ऑफकोर्स यार कतर का है। तो ऐसा है और फोल्ड करके वापस अंदर भी चला जाता है। पे ये यहाँ पे क्या पता है इन्होंने क्या देके रखा है, बस ये ब्लैंकेट है इतना पता है मेरे को, बताती हूँ आपको थोड़ी देर में क्या है। वैसे ये पिलो देख लो कितना प्रीमियम है, इसका क्वालिटी ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, प्रीमियम क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे है ये स्टूल, ये ऊपर भी आता है ऐसे, और इसमें स्टोरेज भी है, स्टोरेज बॉक्स वॉट जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। ये रहा इसमें क्या है, ये पर्सनल वेलनेस बैग दिया हुआ है, फिर वाटर बॉटल है जिसका पानी मतलब फ्रिज के साथ थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, प्लस ये हेडफोन्स है जो कि नॉइस कैंसिलेशन वाले हैं सरप्राइजिंगली, वाव। और मेरे जैकेट की भी मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं, मैं इसमें डाल देती हूँ नहीं तो गर्दी हो जाएगी ऊपर। और क्लोज कर दिया एंड स्टूल को भी नीचे डाल देती हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये टेबल के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे अपन अगर सोते हैं ना, जब सोते हैं तो ये पूरे अपने पैर अंदर चले जाते हैं। अभी हम बैठे हुए फिलहाल इसलिए यहीं तक जा रहे हैं, नहीं तो फिर पूरे अंदर जाते हैं एंड वी कैन लिटरली स्लिप जैसे अपन घर पे सोते हैं। ये यहाँ पे गाइज मैंने एप्पल विनेगर जूस मंगाया था, इसके साथ मैंने रोस्टेड बादाम काजू भी मंगाए थे जो कि बहुत सही लगते हैं, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। मेरे को ऐसे सिनेमेटिक शॉट्स लेना बहुत अच्छा लग रहा था गाइज यहाँ पे, सो जस्ट एंजॉय करो ये शॉट्स को, ठीक है। मजा आ रहा था बहुत, अकेली थी ना, वैसे भी नोबडी वाज देयर टू जज मी, जस्ट बेयर विद मी गाइज, ठीक है। आपको जज करना है कर लो, उधर कोई था नहीं जज करने के लिए तो मैंने शूट कर लिया। ओके चलो आपको अभी बाथरूम दिखा देती हूँ कैसा रहता है बिजनेस क्लास के यहाँ पे। तो घुसते सही पहले यू डू दिस, और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे, मिरर को लाइट्स थे गाइज, लाइट्स, कम ऑन। आपको मेकअप भी करना है, कुछ भी करना है स्किन के, यू कैन डू इट। यहाँ पे इन्होंने हैंड लोशन भी दे के रखा था। फिर ये क्या है, दिस इज़ फेशियल वाटर है कुछ तो भी, ये भी देखे रखा है। फिर वी हैव द नैपकिन्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड फिर यहाँ पे हैंड वॉश, ऑफकोर्स हैंड वॉश तो रहता ही है। वो था ये, यहाँ पे फ्लश है, यहाँ पे बेबी केयर का है बोर्ड,
मतलब जिसको डायपर वगैरह बेबी रहती है डायपर चेंज करना रहता है, दे डू इट हियर। और फिर यहाँ पे साइड में हैंगर काइंड ऑफ है जहाँ पे अपन लटका सकते हैं कुछ भी अगर चीज़ अगर लाते हैं अंदर तो। और सरप्राइजिंगली इतना बड़ा मिरर भी है यार अंदर, इतना मतलब बाथरूम तो स्पेशियस है जो कि यूजुअली रहता है उससे ज़्यादा स्पेशियस है। और यहाँ पे ड्रॉअर में ओके वी हैव टूथपेस्ट टूथब्रश ऑलराइट एंड इसमें क्या है ओके हाइजीन स्टफ ठीक है। और ये रहा बेसिन ऑफ कोर्स, अभी फ्लश कैसे करते हैं आई विल टेल यू। ये बटन दबाओ, पानी थोड़ा ही यूज़ करता है एंड इट्स वैक्यूम, मोस्ट ऑफ इट इज़ वैक्यूम सो दैट्स गुड। चलते हैं अभी खोलो ओके अभी ये चीज़ें बताती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाइट बैग जो है बहुत ही अच्छी दिख रही है, लेदर बैग है ये एक्चुअली। तो इसमें देखते हैं अभी क्या है यार, मैं बार बार देख रही हूँ कोई है या नहीं ओके एनीवे ये चेन देखो कितना प्रीमियम दिख रहा है इसका, गोल्डन चेन है, आई लाइक गोल्डन चेन फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई। बट एनीवे इसमें है सॉक्स, ब्लैक सॉक्स, ठंडी रहती है तो सॉक्स, यूनिट सॉक्स। इसके बाद भी है परफ्यूम दिया है उन लोगों ने और क्या है ओके इसमें कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है गाइस, फॉर एग्जांपल लिप बाम हो गया एंड लोशन एंड ऑल दैट स्टफ ये दिया हुआ है। एंड व्हाट एल्स ये यहाँ पे कार्ड है कुछ ओके मैंने पूरा रीड नहीं किया था एनीवे। और सेकंड पाउच में दिस इज ट्रैवल विद कॉन्फिडेंस ओके देखते हैं अभी इसमें क्या है। ऑलराइट ओके तो ये हैंड सैनिटाइजिंग जेल है ठीक है, मतलब सैनिटाइजर काइंड ऑफ थिंग। और ये आई डोंट नो मेरे को समझ नहीं रहा ये क्या है बट एनी वे आई एम नॉट गोना यूज इट। और ये है मास्क ऑफकोर्स और ये रहा वन मोर पिलो उन्होंने देख के रखा है, इट्स नॉट दैट गुड जो कि मैंने आपको पहले बताया जो कि मेरे पीछे रखा हुआ है, इतना बेटर नहीं है लेकिन है यार एक्स्ट्रा पिलो दे के रखा है। और ये ब्लैंकेट जस्ट लुक एट इट, इतना हेवी ब्लैंकेट है ये, मतलब अपने घर पे जो रहता है सिंगल बेड के लिए अपन यूज़ करते हैं ब्लैंकेट ना, प्रॉपर क्वालिटी वाला वैसा दिख रहा है। लेट मी चेक हाउ इट इज़ नाउ, निकालने के लिए बिजड़ जा रहा है एक्चुअली ओके तो दिस इज़ वेरी सॉफ्ट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सॉफ्ट है और पूरा घर का फीलिंग आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं इसको ओढ़ के देखती हूँ, वेट अ मिनट ऑलराइट 10/10 कूल। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दिया उन्होंने, चप्पल वगैरह निकालते हैं अपन तो इधर रख सकते हैं कोने में। अभी मैं हेडफोन्स ओपन कर रही हूँ और कुछ तो सुनती हूँ अभी टीवी पे क्या है, टीवी या इट इज़ टीवी स्क्रीन काइंड ऑफ थिंग बट इट्स नॉट टीवी बट इट इज़ स्क्रीन व्हाटएवर जो भी है। तो ये उसकी पिन यहाँ पे जाती है हेडफोन्स की और यहाँ पे यूएसबी है, क्या पता बताया मैंने नहीं बताया वहाँ पे यूएसबी था ओके। तो ये रहा स्क्रीन, बहुत ही बड़ा है, अपने लैपटॉप का स्क्रीन रहता है वैसा ही स्क्रीन है बड़ा वाला, मतलब बड़े वाला लैपटॉप का स्क्रीन। अब मेरे हाथ को और वो स्क्रीन को देखो आपको पता ही चल जाएगा। अभी इसमें मैं कुछ रैंडम प्ले कर रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने सोच के प्ले नहीं करा है, रैंडम कर रही हूँ ओके चलो ये प्ले कर देते, क्वालिटी देखते इसका कैसा है हेडफोन का। इट्स गुड, टाइम टू स्लिप, थोड़ा सा गाने सुनते सुनते सोती हूँ। देखो लेग स्पेस, देखो लेग स्पेस, देखो मैं पूरी सो गई जैसे अपन बेड पे सोते हैं वैसे। और यहाँ पे उठने के बाद अभी मेरा खाना आ गया है गाइस, बटर और ब्रेड दे रखा था। और ये डिटेल देखो, लिटिल डिटेल्स मैटर करता है यार, ये कैंडल असली नहीं है ये इलेक्ट्रिक है लेकिन कितना सही लग रहा है। ऑल्सो ये सॉल्ट क्रशर की क्वालिटी देखो कितना मस्त है, ये उन्होंने ऑलिव ऑयल दे रखा था उसके साथ जो कि वो पूछते ऑफ कोर्स कि चाहिए या नहीं, तो मैंने हाँ बोला था। एंजॉय द सिनेमेटिक्स अगेन। और मेरा खाना भी आ गया है, देखते देखते खा रही हूँ कार्टून। खाना भी सही है, मतलब टेस्ट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बट रियली गुड, बहुत अच्छा था। और ये अभी लास्ट डेजर्ट, ये था ब्लूबेरी चीज़ केक आई गेस, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। और मैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देख रही थी गाइस, इतना मस्त लग रहा था। और उन्होंने बाद में ये चॉकलेट्स भी दी थी
जो कि वो लिटिल स्नैक्स करके नीचे सेक्शन था मेन्यू कार्ड में, तो उसमें था। उन्होंने पूछा चाहिए क्या, मेरे को लगा थोड़ी सी हैंडफुल ऑफ चॉकलेट्स ला के देंगे, ये पूरा ही सब इतने सारे पैकेट्स ला के दिए थे उसने। और वो सब खत्म होने के बाद एयर होस्टेस ने हॉट टॉवल भी दिया, विच वॉज रियली नाइस। चलो अभी मूवी खत्म होने को 1.5 घंटा बाकी है और लैंड होने को 2 घंटे बाकी है, तो मेरा मतलब टाइम से हो जाएगा सब कुछ। एंड हियर वी लैंड गाइस, पहुंच गए फाइनली मैनचेस्टर में पहुंच गए हैं हम। वेदर देख लो यहाँ का कितना मस्त लग रहा है, सब ग्रीनरी। एंड ये देखो पानी था नीचे तो इसलिए वो टायर की वजह से ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, पानी उड़ रहा है सारा। वाइब देख लो यहाँ की, वाइब अलग ही है। ये रहा एयरपोर्ट, बाय बाय। 30 मिनट्स राइड और मोर, या 20-25 मिनट्स। ओके, दिस ऑल द टाइम यू वोंट गेट एनी ट्रैफिक। ओके, और हाँ यहाँ पे टैक्सी मर्सिडीज है, हम उसी में बैठे अभी। उनको यहाँ पे रहने देते वो, मतलब ऑफकोर्स पैसे देके, बट ऐसा है। ओके गाइस, तो अभी हम लिफ्ट में आ गए हैं, बैग्स वगैरह भी ले ली, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिफ्ट है। All the traffic, baby. All right. Can you take the luggage, please? ऑलराइट गाइस, तो पूरा सामान हम बैग में से निकाले, मेस बना दे, उससे पहले आपको रूम टूर दे देती हूँ सारा। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद राइट साइड में वी हैव बाथरूम, जो कि मैं आपको हमेशा अच्छे से बताती नहीं हूँ, लेकिन अभी अच्छे से बता देती हूँ। ये जूम वाला मिरर है बाय द वे। और टॉवल, टिश्यू पेपर्स, ओके दिस इज़ बिग, ये बड़ा है, नाइस। एंड ऑफकोर्स ये शैम्पू कंडीशनर साबुन जो भी रहता है। ओके, अभी यहाँ पे है कबर्ड, एज यूजुअल आयरन भी दे देते, वो लॉकर रहता है, एक ड्रायर रहता है जो कि रहेगा इधर की, इधर तो भी रहेगा। एंड देन ये आई थिंक ये फूड टेबल है या कपड़े सुखाने का, क्या पता यार, जो भी है। आई विल क्लोज, ओके। एंड दिस इज लैम्प, ड्रावर्स, व्हाट डू वी हैव, अच्छा ये ड्रायर है, ड्रायर है अगेन। इसमें कप्स है एंड वो किटली है पानी गर्म करने की, टीवी छोटू सा, चेयर, मस्त चेयर भी, एंड दिस इज़ अ फ्रिज। और इसमें जो भी सामान उन्होंने दिया है ना, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है, हम वी कैन ईट इट एंड वी कैन ड्रिंक इट, एंड ऑल्सो दिस चेयर। नीचे रग है, टाइल्स नहीं है, आई मीन टाइल्स है लेकिन उसके ऊपर रग लगाया हुआ है। एंड दिस इज़ अ ह्यूज मिरर विच आई एब्सोल्युटली लव, क्योंकि हर एक होटल में ऐसा ह्यूज मिरर नहीं मिलता है, मुझे फुकेट में मिला था लेकिन उसके बाद आई हैवंट सीन फुल मिरर इन एनी ऑफ द होटल। ये रहा बेड, पूरा वाइट शीट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, कॉर्पोरेट लोगों के लिए क्या ये? नो, यूजुअली पीपल जस्ट कम हियर फॉर द मैच डे। ओके, दैट्स व्हाई, सी बिकॉज देयर आर 2 beds हियर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो ओके, नथिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डन, या बेस्ट इज लास्ट के लिए रिजर्व करके रखा। सबसे अच्छा व्यू ये रहा। नो, नॉट मी। ओके, दिस इज इट गाइस, कितना मस्त लग रहा है। देखो सिटी सेंटर है एंड देयर यू कैन सी द लेक अब देख रहे हो। इट्स अ रिवर एक्चुअली, नॉट अ लेक। ओह रियली, किधर से? अच्छा हाँ, ये साइड से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दिख नहीं रही है अच्छे से, लेकिन That's that. And ये side ना stadium है, ये side. हमारे पीछे तो, exactly, to be honest. हाँ, तो कल हम जाएंगे match देखने. To the king of dreams. Yeah. देखो इसको. First, I have been, मतलब मैं बचपन से जब से football देख रहा हूँ, तब से इधर आने का था match को, first time against Chelsea. This is going to be fucking fantastic. Is that a Tesla? White. ट्रिप तो दिस इज बेसिकली चॉकलेट है इसमें। कैन यू ओपन दिस फॉर मी? यस, सी द व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट, या वेरी नाइस। प्रिंटेड है क्या? हाँ, प्रिंटेड ही।
प्रिंटेड चॉकलेट। ऑलराइट गाइस, तो हम अभी पूरे रेडी होके निकले हैं। यहाँ पे मैन यूनाइटेड का सुपर स्टोर है। कल के मैच के लिए कुछ चाहिए इसको, मेरे को भी, इन इफ आई गेट समथिंग। तो वहां से कुछ खरीदते हैं। मे बी हियर ऑल्सो इट्स मिरर, ये नाइस। बाय द वे, ऐसे विंटर में मैं कभी नहीं गई हूँ, पहले पूरे लाइफ में मैं कभी नहीं गई हूँ, ना मैंने स्नो देखा हुआ है। सेम विद निखिल ऑल्सो। हाँ, हम दोनों का फर्स्ट विंटर है। अच्छा, भूल गया था दबाना, जी करना है। इसका दूर जाना, मेरे को आउटफिट दिखाने दे तेरा थोड़ा। ये इसका एक्सपेंसिव एज शिट डेविड बेकहम का जो गॉगल है वो है, वो 23,000 दैट इज ओके, 23 इट इज ओके। एंड दिस जैकेट विंटर स्टफ। तो टेम्परेचर, मतलब जब हम आए थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया है, और मतलब ठंडी बढ़ चुकी है थोड़ी सी और, बट हमने ये सब कुछ पहन लिया है अभी, इसलिए कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है वैसे। थोड़ी देर में रात हो रही थी और लगेगा नहीं क्या। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये देखो यहाँ पे लोग मफलर्स भी बेच रहे हैं उसके, क्योंकि कल मैच है तो इनका सेल अच्छा खासा हो रहा रहेगा अभी। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ द स्टोर लुक्स फ्रॉम इनसाइड। और कितनी राहत मिली है, देखो हाथ कैसे हो गए ठंडी के। हाँ, तो ये है मैन यूनाइटेड का स्टोर। हालांकि ये लोग आजकल अच्छे से खेल नहीं रहे, लेकिन यस, नाइस पॉकेट्स। हो गया शॉपिंग गाइस। तो यहाँ पे प्रिंटिंग करवा रहे गाइस निखिल के शर्ट पे और अयांश के शर्ट पे। अयांश हमारा भतीजा है दोनों का। उसका नाम नहीं बताया था मैंने आज तक। सो उसके शर्ट के पीछे अयांश करवाएंगे प्रिंट, वहाँ पे रखा हुआ है। और निखिल के इसके पीछे निक NICK विद द नंबर 7। और इसके अलग से चार्जेस लगते हैं बाय द वे, प्रिंट कराना है तो। सीधा दिखाना। नाइस, नंबर 7। ओके गाइस, तो अभी शॉपिंग कर ली है और लुक एट दिस, इतनी ठंडी है, पूरा धुआं निकल रहा है मुंह में से, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। ओके गाइस, तो अभी हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो हमने टैक्सी की, अभी उबर किया है ना, उबर किया हुआ है। तो गाड़ी आ रही है, सेम क्लोथ सेम आउटफिट, बस ग्लोव लेके जा रहे हैं, पिछली बार भूल गए थे तो अभी लेके जा रहे हैं। काम पे है ड्राइवर। ये रहा उबर, गेट इन द कार फास्ट। गाइस, तो अभी हम पहुंच गए ये जगह पे जो मॉल काइंड ऑफ थिंग है। एंड लुक एट दिस, मेरे पीछे इतना बड़ा विला, कोई दिख तो नहीं रहा है उसमें बैठा हुआ, बट है। एंड हियर एट दिस साइड, ये मॉल का एंट्रेंस है आई गेस। यहाँ पे सब फूड कोर्ट एंड ऑल दैट स्टफ है जो ड्राइवर ने हमको बताया उसके हिसाब से।
तो ये ऊपर भी मस्त बनाए हुए मूर्तियां हैं ऑल ओवर सब। मैं थोड़ा जूम करके जितना बता सकती हूँ उतना बता दी आपको। ये देखो गाइस, यहाँ से मॉल की एंट्री है एंड जस्ट आप डेकोरेशन देख लो, क्रिसमस के लिए किया हुआ लग रहा है, कितना सही बनाया हुआ है। सॉरी मेरा हाथ ना थोड़ा सा शेक कर रहा है ठंडी की वजह से, बट आप देख सकते हो यार, अभी देख लो, इट्स वेरी प्रिटी। अभी यहाँ से हमने थोड़ा कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लिया है, फ्राइज किए हैं और चीज़ ग्रिल किया है और क्या किया है, शेक। या दैट्स इट। ओके गाइस, तो ये ग्रिल चीज़ वाला बर्गर था, फ्रेंच फ्राइज है, सम एक्स्ट्रा फ्रेंच फ्राइज, और ये हमारा शेक है। ये एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये देखो, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि ये असली का स्काई है ऐसा। ये साइड सारा शॉपिंग का है गाइस, क्लोथ्स बैग्स एंड स्टफ, फुटवेयर वगैरह सब। बड़ा तो बहुत लग रहा है मॉल, तो यहाँ से हम कुछ लेना तो नहीं वाले, जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ अगर अलग दिखता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये देख लो गाइस, यूके का मेला सब है अपने, ये इधर मेरी गो राउंड भी रहता है वैसा है, हॉर्सेस का है, और वो भी वहाँ पे देखो, ये देखो कैसा टाइगर बनाया हुआ है। ये थी गाइस वो बिल्डिंग, द ट्रैफर्ड सेंटर करके, यस। ये है वो मेला, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है देखो वो राइड हम नहीं कर रहे, हालांकि हमको करने की इच्छा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ये बहुत स्पीड से स्विंग करते हैं और हमें ठंडी ऑलरेडी बहुत बज रही है, ये स्विंग करेंगे और ज़्यादा ठंडी बजेगी, और ये हमारा ट्रिप का पहला ही डे है तो बीमार नहीं गिरना यार, इसलिए जैसे एक लुक मार के आते फिर घर पे जाते, होटल पे जाते सॉरी। ये देखो गाइस कितना क्यूट बनाया हुआ, ये भी और ये ट्रक भी, कस्टमाइज ट्रक दिख रही है वो, और ये गेम जिसमें हम हमेशा हारते हैं तो आज पार्ट नहीं लेने वाले। और वहाँ पे कुछ स्नो का स्केट दिख रहा है, अंदर जाने के लिए वहाँ पे पास निकालना पड़ रहा था, इवन देखने के लिए भी पास निकालना पड़ रहा था, तो यार सोचा क्यों पाउंड्स में वेस्ट करने ना पैसे, तो फिर हम अभी जा रहे हैं डायरेक्ट होटल पे। वैसे भी वहाँ पे सब बच्चों का था खेलने का, लाइक आप स्कूल में होते हो तब वो राइड्स करते हो, दैट वाज दैट, लेकिन बड़े भी करते हैं तो सोचा अगर कर सकते तो कर ले। चलो गाइस फिर ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग कल का व्लॉग जो है, कल मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी की, तो आप ज़रूर देखना, आई मीन मैं दिखाऊंगी ऑफकोर्स आपको पूरा तो नहीं, ब्लॉग के थ्रू ही दिखाऊंगी। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बिजनेस क्लास का जो भी मैंने बताया वो सब आपको समझा होगा, और आप ट्राई करना चाहते हो ऑफकोर्स कर सकते हो। हमारा जर्नी मैं बताऊँ इतना स्मूथली हुआ है आज, इतनी देर ट्रैवलिंग थी, ऑलमोस्ट लाइक 12 hours आप बोल सकते हैं ट्रैवलिंग में गए, लेकिन हमको इधर आने के बाद ज़रा भी थकावट नहीं महसूस हो रही थी, सो दैट इज़ रियली गुड, बिजनेस क्लास वॉज रियली रियली वर्थ पेइंग फॉर इट। सो यस, मिलते हैं कल गाइस, फिलहाल के लिए बाय बाय।